भाइयों वेलकम टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग ऑफ जी टाउन मुंडा। और आज मैं गुड़गांव एक्सप्लोर सीरीज की सेकंड वीडियो बना रहा हूँ। फर्स्ट वीडियो में मैं आपको लेके गया था हॉकर स्ट्रीट, जो कि एक कॉफी डेट के लिए या फिर फ्रेंड्स के साथ, मतलब बेसिकली कॉफी प्लेस टाइप जगह मैंने आपको गुड़गांव में दिखाई थी। आज मैं जा रहा हूँ अरालियाज के क्लब, जो कि गुड़गांव की, अरालियाज वन ऑफ द इंडिया के, गुड़गांव के क्या, इनफैक्ट इंडिया की टॉप 10 बेस्ट रेजिडेंशियल सोसाइटीज में से एक है। तो यहाँ पे आयुष भाई रहते हैं और उनके क्लब हाउस आज हम जा रहे हैं। शाम को थोड़ा स्विमिंग वुमिंग और स्क्वाश खेलेंगे, बाकी जाके आपको दिखाता हूँ और आपको पूरी सोसाइटी का क्लब हाउस टूर देता हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। ये आ गए हम गोल्फ लिंक्स के अंदर। तो सबसे पहले कैमेलियास था, ये सेकंड सोसाइटी है मैग्नोलियास, और हमें जाना है थर्ड सोसाइटी अरालियास के अंदर। तो आई थिंक तीनों का अपना अपना क्लब है और गोल्फ लिंक्स का अपना भी एक क्लब हाउस है, लेकिन आज गोल्फ लिंक्स वाला क्लब हाउस आपको किसी और वीडियो में दिखाएंगे। आज मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको अरालियास का क्लब हाउस। तो और आगे चलते हैं। इस रूट का नाम पूरा गोल्फ लिंक्स है, क्योंकि मैं आपको दिखाया था आकाश भाई ने अपनी रैपिड वापस कर दी थी, अब उन्होंने क्रेटा ले लिया। आज ही आई है ये, तो मैंने अपनी कार यहाँ पार्क कर दिया है और अब आकाश की क्रेटा में आ गए हम। क्या चल भैया? बढ़िया, हाउ इज एवरीवन? सब मजे में भाई। ये तो मस्त लग रही है यार गाड़ी एकदम। तेरे पास भी सेम ही है? हाँ, मतलब वही मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल सेम ही है सब कुछ। तो ये देखो, ये थोड़े बहुत इसके बता दे, मैंने अभी वीडियो में बताया कि तूने वापस कर दिया अपना वो रैपिड। तो अभी क्रेटा आज ही आई है आकाश की। क्या इसका सीन क्या है गाड़ी का? ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं है, 2018 का मॉडल है, 28,000 चली हुई है। यहाँ का यहाँ लगा दे, लेफ्ट में लेफ्ट में लगा था। तो ये स्पिनी से लिया आकाश ने, और क्रेटा का SX मॉडल है ये ऑटोमेटिक, और देखने भी मस्त है। गुड़गांव की रजिस्ट्रेशन है ये, आई थिंक इसमें एक्स्ट्रा लगाई हुई एक्सेसरी नीचे। आ गए हम राले उसके अंदर और अब क्लब हाउस की तरफ जा रहे हैं। आपको अंदर भी दिखाता हूँ जल्दी जल्दी। ये तो बता कितनी चली हुई है और क्या क्या? 28,000 चली हुई है। हाँ, ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक है, पेट्रोल है, 2018 मॉडल है। और डील देखो 11 लाख तक मिल गई है ना, स्पेनिश है, सही है, गुड डील। सबसे पहले आ गए हम पूल एरिया में। ये पूरी सोसाइटी के बीच में है, तो सारे घर ये पूल फेसिंग है। और सबसे अच्छी बात इस पूल की मेरे को ये लगी कि बच्चों का पूल सेपरेट है और एडल्ट्स का पूल सेपरेट है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और इसका साइज़ भी काफ़ी बड़ा है पूल का। तो पहले तो हम स्क्वाश खेलेंगे, उसके बाद स्विमिंग करेंगे अगर स्क्वाश खेलने के बाद टाइम रहा तो। तो अंदर चलते हैं क्लब हाउस में, और जो मेन क्लब हाउस है अंदर से वो दिखाता हूँ आपको। तो ये बीच का लॉबी एरिया है, यहाँ पे एक छोटी सी बेकरी है और साइड में बार और रेस्टोरेंट भी है, लेकिन अभी हम जा रहे हैं टुवर्ड्स द जिम। लॉकर रूम में आ गए हैं, ये स्विमिंग पूल से भी अटैच्ड है और अंदर जिम एरिया से भी। तो आप लॉकर रूम देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन और क्लासी है, एज गुड एज ए 5-स्टार होटल। तो जल्दी से हम लॉकर एरिया में अपने बैग्स रख देते हैं और उसके बाद स्क्वाश खेलने जाएंगे, बिकॉज हमने आधे घंटे का ही स्लॉट बुक किया है, तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए स्क्वाश खेलने चलते हैं। मेरे को स्पोर्ट्स का वैसे तो काफ़ी शौक है, लेकिन समहाउ स्क्वाश मिस आउट हो गया है, तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है स्क्वाश खेलना। तो आकाश से थोड़े रूल्स वूल्स पूछूंगा मैं, और आज ट्राई करते हैं स्क्वाश। आपको थोड़े से शॉट्स दिखाता हूँ मैं, आकाश के प्रोफेशनल है ना। डेडली स्पोर्ट है यार ये तो। 10-15 मिनट में हालत खराब हो गई, मेरे को लग रहा था मजाक वाला स्पोर्ट है ये स्क्वाश, बट लग रहा है सीखना पड़ेगा। मेजर स्वेटिंग हुई है, सिर्फ 3 गेम खेले 11-11 पॉइंट के, और इसमें मेरे को तो अभी फर्स्ट टाइम पता चला है कि जब आपको पॉइंट आता है दैट्स व्हेन यू गेट द सर्व, उसके बाद अगले पॉइंट से पॉइंट्स ऐड अप होने शुरू होते हैं।
तो अब से ट्राई करूँगा स्क्वाश खेलने की। थोड़ी देर हमारी बुकिंग आधे घंटे की है, एक दो गेम और खेलते हैं हिम्मत करके, उसके बाद स्विमिंग करने का प्लान है। सी यू इन द पूल। तो आपको अपने गेम के थोड़े से ग्लिम्सेस दिखा देते हैं। तो बेसिकली काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम है। एक रूल तो मेरे को इसका पहले से पता ही था कि बॉल को एक बाउंस के अंदर अंदर ही मारना होता है, लाइक एक बाउंस होते साथ ही मारना होता है। लेकिन ये जो आप रेड लाइंस देख सकते हो उसके नीचे भी रहनी चाहिए बॉल, थोड़े सर्व करने के रूल्स हैं। और बाकी ये जो पीछे ग्लास है ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इस पर भी मार के आप डायरेक्टली शॉट ले सकते हो। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्पोर्ट लगा मेरे को, फ़न, और इसमें पूरी फ्रस्ट्रेशन निकाल सकते हो आप। अब आ गए हम जिम सेक्शन में, जिमनेजियम चेकआउट करने के लिए। तो पूल फेसिंग व्यू है कार्डियो सेक्शन का, और बाकी जिम भी आप देख सकते हो। ऑलमोस्ट सारी मशीन्स हैं यहाँ पे फुल बॉडी वर्कआउट की। तो अब जिम टूर हो गया, अब आ गए हम स्विमिंग पूल पे, जल्दी से डुबकी लगाते हैं। काफ़ी सही स्विम थी और ठंडा ठंडा पानी था। अब चलते हैं वापस घर। आज का गुड़गांव टूर पार्ट टू यहीं खत्म होता है। आप कमेंट्स में बताना इफ यू लाइक इट, एंड अगर आपको और किसी स्पेसिफिक जगह की बारे में जानना है या किसी और गुड़गांव सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में कोई भी खाने की पीने की घूमने की खेलने की, जैसे गोल्फ है यहाँ पे या फिर बोलिंग है या मतलब जिस भी कोई वाला एक्टिविटी टाइप ऑफ एरिया आपको देखना है या कुछ भी देखना हो तो आप कमेंट्स में बताना। एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक माई वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हु आर कमिंग टू गुड़गांव और हु हैव अ प्लान टू कम टू गुड़गांव इन द फ्यूचर। So see you in my next video. Until then, G-Town Munda signing out.